अपने लापरवाही का नतीजा। दोस्तों, इंटरनेट के गलियों में आजकल ऐसे ऐसे प्रचंड नमूने देखने को मिल जाते हैं जो अपनी हरकतों से ना सिर्फ लोगों को हैरान करते हैं बल्कि हंसाते भी हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम फिर से हाजिर हैं कुछ ऐसे ही नमूनों को जिनके हरकतों को देखकर पक्का आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो यार, देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब भाई मिलिए इस मोहतरमा से जो नई नई फोन में वॉइस लॉक लगा रही थी कि तभी इस बंदे के थप्पड़ के आवाज से मोबाइल लॉक हो गया, जिसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। शौकिया मारती चाचू, देखो मैंने नया मोबाइल लिया, वॉइस लॉक भी लग जाता है। ना कर यार, लगा के दिखा। और भाई साईं, की हाल है? लग गई वॉइस लॉक, टेंशन नहीं लेनी, खुल जाएगा। और भी साईं, की हाली? 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 भाई साहब, इसलिए कहते हैं कि परियों से जरा बच के ही रहना, वरना आपकी भी कभी धुलाई हो सकती। अब मिलिए इस छोटी परी से जो कैमरे पर आकर काफी जबरदस्त रैप गा रही थी कि तभी मम्मी ने इनका रैप ही बिगाड़ दिया। अब भाई मिलिए इस परी से जो बॉयफ्रेंड के साथ कहीं रात में जा रही थी कि भैया तभी इनके साथ कोई फ्रैंक कर दिया। भाई साहब, चाहे कुछ भी हो, पर हाँ, परी का बॉयफ्रेंड तो रॉयल निकला तभी तो दोबारा आया, पर वो बात अलग है कि इनको कैसे ले गया। अब भाई मिलिए इस दीदी से जो अपने कार से कहीं जा रही थी कि तभी इन्होंने सड़क किनारे गिरे इस बंदे को उठाने के लिए अपने गाड़ी को रोककर भागी भागी गई, पर भैया वहाँ पहुंचकर इसके साथ क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। मतलब यार, लड़की भी यही सोच रही होगी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। और मिलिए इस भाई साहब से जो इस माँ के मगरमच्छ के साथ प्रैंक करना चाहते थे और उसके पैंट में एक नकली सांप बांध दिया। उसके बाद तो इस माँ के मगरमच्छ का नजारा देखने लायक है। एक बात तो पक्की है कि अगर ये नकली सांप उनके पैंट से नहीं निकलता तो पता नहीं क्या हाल होता है। अब मिलिए इस रिपोर्टर दीदी से जो आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टर ने अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद कर देते हैं, पर यहाँ कुछ उल्टा हो गया है। भाई ने रिपोर्टर दीदी को ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। अब आप खुद ही देख लीजिए। क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा दीपक, आप यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं तो आपका इन पैसों से गुजारा हो जाता है? नहीं, क्या दीदी, क्या आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है। तो मेरे पास तसला है, लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूँ? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। अब इस भाई से मिली जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गए थे। पेट्रोल लेने के बाद भाई साहब ऑनलाइन पैसा पेड कर रहे थे। अब आप खुद ही देख लो कि ये भाई साहब ऑनलाइन पैसा कैसे पेड कर रहे हैं। ये तो फोन पे बाहो, पेटीएम कैसे बजा होता?
एक बात तो पक्की है ए भाई साहब, अब जब भी ऑनलाइन पैसा पेड करेंगे तो एक बार चेक करके पैसा पेड करेंगे कि फोन पे है या पेटीएम है। अब इन माँ के मगरमच्छ को देखिए जो रोड पर एंजॉय कर रहे थे, तभी इन्हीं में से एक माँ के मगरमच्छ को ऐसा झटका लगा कि उसका दिमाग ही हिल गया। एक बात तो पक्की है कि ऐसे स्टैंड करने वाले व्यक्ति के पास ये माँ का मगरमच्छ दोबारा कभी नहीं जाएगा। अब इस इलेक्ट्रीशियन भाई को देखिए जो गाना गाते गाते अपने फैन को रिपेयर कर रहा है, तभी भाई ने गाना गाने के चक्कर में भूलकर एक तार को अपने मुंह में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लो। हुआ हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ी अब आई। अमिलिया इस मैडम से, मैडम बच्चों को पढ़ना सिखा रही हैं। तभी एक स्टूडेंट ने ऐसी बात बोली कि सुन के आपकी हंसी नहीं रुकेगी। दे माई, चलो अब इसे तीन बार रिपीट करो। दे माई, दे माई, दे माई। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे और भी मजेदार वीडियो देखने वाले हैं, पर इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर और किस देश से देख रहे हैं, जरा कमेंट करके हमें भी बताइए। अब देखिए इस बॉस को, ये बॉस केवल महिलाओं के लिए है, इसमें टिकट महिला ही काटती है। अब आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए कानपुर में शुरू हुई है सखी बस सेवा, पिंक कलर की बस और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, टिकट भी महिला काटती है, क्या बात है। तो चलिए किसी सखी से बात करते हैं। हैं दीदी कहाँ जा रही हैं आप? अब इन पापा के परियों को देखिए जो स्कूटी से कहीं जा रही थी, तभी एक भाई ने देखा कि इन परियों का स्टैंड लगा है, तो भाई ने बोला दीदी स्टैंड। अब आप दीदी को खुद ही देख लो। दीदी 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 स्टैंड स्टैंड दीदी स्टैंड। छोटी बच्ची हो क्या? अमेलिया इन भाई साहब से, भाई साहब दुकान पर साबुन लेने गए थे लेकिन साबुन देखकर एक कंफ्यूज में है। अब आप खुद देख लीजिए। क्या हुआ भाई, इतना क्यों सोच रहे हो? यार ये सोच रहा हूँ कि सारे साबुनों पर लड़कियों की फोटोज है। हाँ। हम लड़के नहाते नहीं है क्या? हम भी कंफ्यूज में रहते हैं यार कि सभी साबुनों पर लड़कियों का ही क्यों चित्र रहता है, लड़कों का क्यों नहीं? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं। अभी देखिए हमारे भारत देश के 6 साल से राष्ट्रपति हैं, पर इनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलने नहीं गए, तो राष्ट्रपति जी बहुत गुस्से में। जब रिपोर्टर ने इनका नाम पूछा तो राष्ट्रपति जी अपना नाम कुछ ऐसे बताए कि हमारा दिमाग ही हिल गया। मोदी जी क्यों नहीं हमसे मिलने आए? मैं 6 साल से भारत का राष्ट्रपति हूँ और हर हिंदुस्तानी जानता है मेरे बारे में। क्या नाम बताया था आपने? मैंने नाम बताया था अपना, राष्ट्रपति श्री सूर्य देव ब्रिगेडियर अरुण सिंह, बिहार सरकार एंड भारत सरकार अरुण 2786, एसपी सीबीआई ऑफिसर एंड डीसीपी आजाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड सरकार डॉन नंबर 1 एसपी। और डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए ये भाई साहब दादी से अपना दुख शेयर कर रहे थे, पर दादी तो ओल्ड जमाने की हैं, तो दादी ने इनकी भाषा समझ नहीं पाई। दादी के हम डिप्रेशन में जा लगा लियो दादी। आप बढ़िया से रही हो बेटा, कार्तिक में ही हो, ये छठ का पोता। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, इस वीडियो के एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख कर जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर